गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी मम्मी बनाने जा रही हैं मतलब पकौड़ा। तो आप उस वीडियो को एंजॉय कीजिए और अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल। तो गाइस, अभी मम्मी बनाने जा रही हैं गोभी के पकौड़े। तो मम्मी ने अभी गैस ऑन कर दी है और तवा डाल दी है पैन, और अभी मम्मी ने डाल दी है इसमें धनिया। तो अभी साबुत जीरा और लौंग, काली मिर्च, लौंग और काली मिर्च, सौंफ, सौंफ, इलायची की तरह दिख रहा है, तो इसको मिक्स करना है। अभी भूंज देते हैं इसको कुछ देर के लिए, ताकि जब हम इसको पीसेंगे तो फिर खुशबू और मस्त आए और टेस्ट भी बढ़ जाए। जब तक ये भून रहा है, तो मम्मी ने यहाँ पर गोभी में पानी डाल दी है ताकि गोभी उबल जाए। उबल जाए नहीं मतलब पक जाए। तो गैस ऑन हो गया है हाई फ्लेम पे। इसको ढक के कितने देर तक पकाना? 5 मिनट। और ये भुनने वाला है। तो धनिया हो गया है और इसमें जितने भी मसाले हैं सारे हो गए हैं। तो इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो गोभी में उबाल आ गया है, तो पक गया क्या? तो ये पक गया, तो गैस को करते हैं हम बंद। और ये भी ठंडा हो गया है, तो इसको मसाले बनाते हैं। इसका हाथ से छू सकते हैं, ठंडा तो हो गया। चलिए मसाले बनाते हैं। तो हमारा मसाला तैयार हो गया है, और ये रहा कश्मीरी लाल मिर्च, और ये बेसन। पकौड़े तो बेसन से बनते हैं, तो हमने बेसन लिया है। और ये मम्मी ने प्लेट में ट्रांसफर कर ली है। भाप आ रहा है। और आगे मम्मी और क्या प्रोसेस है? तो अभी मम्मी सबसे पहले मसाले डाल रही है कटोरे में, और हल्दी अभी जाएगा, और फिर लाल मिर्च पाउडर, अभी तीन ही मसाले सिर्फ डाले हैं। अब जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च। आंख में लग जाए ना, आंख लड़ने लग जाएगा। और अभी जाएगा नमक। ओके, इसमें पानी डालना है। इसमें बेसन डालोगे क्या? तो इसको मिक्स करके इसमें बेसन डालना है। बेसन अच्छा, पकौड़े डालना है। पकौड़े तो अभी बने नहीं, तो ये डालना है। क्या कहते हैं इसको? पत्ता गोभी। हाँ, गोभी कहते हैं इसको। उबलेगा गोभी में, तो इसको ऐसे ही मिक्स करना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और इसके ऊपर जो नहीं है रेड कलर का कलर चढ़ गया थोड़ा सा रेड, तो ऐसे करके सारे निकाल लेते हैं। ये डालने से इसमें स्वाद आ जाता है। सब जितने मम्मी ने मसाले डाली नहीं थी, तो फिर जब पकौड़े बनेगा तो फिर बेसन में ये घुल के बनेगा, तो फिर अंदर इसके अंदर स्वाद होना चाहिए, इसलिए मम्मी ने इसमें डाली थी। ये ट्रिक है एक, तो इसी में हमें डालना है बेसन। मम्मी ने डाल दिया अभी बेसन। अच्छा, बेसन डाली तो मम्मी ने मैदा भी डाल दिया। कितने चम्मच? अच्छा, मैदा मम्मी ने इसलिए डाली है ताकि क्रंची बने पकौड़े। मैं बार बार पकौड़ी बोल रहा हूँ।
और अजवाइन हाथ में ऐसे करके और इसमें डाल देना है। इसको मिक्स कर लेते हैं, एक बैटर बना लेते हैं। पकौड़ी का सारा तैयारी हो गया है, इधर बैटर भी पूरा बन गया और मम्मी ने गैस ऑन कर दी और कढ़ाई में तेल डाल दी। तो इसमें बैटर में अभी बेकिंग सोडा मम्मी ने डाल दी है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए वाटर चाहिए। तो इसको अब फटाक से मिक्स कर लेते हैं। तो एक चम्मच ऑयल डालना है बैटर में और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अभी मम्मी ने फूल गोभी को बैटर के अंदर डाल दी है, पूरा डिप हो गया अच्छे से और इसको डालते हैं हम ऑयल में। और दूसरा भी गया ऑयल में, तो इसको फ्राई करते हैं कुछ देर के लिए। तो हमारा पूरा पकौड़ी बन गया है। तो अभी मम्मी इसको निकाल रही हैं ये प्लेट में ट्रांसफर, ये भी निकाल लेते हैं। देखिए कितना मस्त कलर आया है और क्रंची तो है ही, आवाज तो ऐसी आ रहा है। तो फिर अभी मैं इस प्लेट को सजाता हूँ। तो मैंने प्लेट को सजा दिया है और ये रहा टमाटो केचप, ये रहा मेयोनीज, मस्त लग रहा है ना बाहर होटल जैसा। तो आप भी बनाइए और खाइए, क्योंकि अभी बहुत ठंडी भी है तो फिर गर्मा गर्म है, तो मैं इसको खा ली तो वरना ठंडा हो जाएगा। बहुत अच्छा है। तो अभी हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आज हमने ना क्यूब खरीदे थे, ओए मोड़ी मत, ये वाला देखो कुछ ऐसे। देख ऐसे करते हैं, देखो अभी दिखाएगा कुछ ऐसी करते हैं। और हम अपना ये योगा मैट
अनबॉक्सिंग करते हैं। पर स्कूल लेके जा रहे हैं। तो आपको पकौड़ी की रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।